दो अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। उस लड़की का जो 18 साल की है, कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष यह है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया, वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है, मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में दो कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूं, उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है? जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर, जो 18 साल की है, राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है, आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हां, करती हूं, करती रहूंगी, हंसते हुए कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए, अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द कोर्ट ऑफ पीपल। और जिस गांधी खानदान के आदेश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी सरगना से कहना चाहती हूं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी, हम फिर अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा है। एन 18-year-old चाइल्ड, अ कॉलेज स्टूडेंट, हर कैरेक्टर टुडे वॉज असैसिनेटेड बाय कांग्रेस मैन एट द कांग्रेस हेडक्वार्टर्स। दैट 18-year-old चाइल्ड, एंड आई कॉल्ड हर चाइल्ड बिकॉज आई गेव बर्थ टू हर, हर फॉल्ट इज दैट हर मदर फॉट द लोकसभा इलेक्शन अगेंस्ट राहुल गांधी फ्रॉम अमेठी इन 2014 इन 2019। That 18-year-old girl, her fault is that her mother, as has been said by the Congress spokesperson, does press conferences against Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. That 18-year-old girl, her character today was publicly mutilated by the Congress spokespeople, and they claim
that the mutilation stemmed from a show cause notice. I want to ask that congressperson, where is my daughter's name in the papers that he flushed? Jairam Ramesh said that he's taking a position on the basis of an RTI application. My question is, where does the RTI application name my daughter? The allegation that my daughter runs an illegal bar is malicious with the intent not only to assassinate her character but also to politically malign me. It is done at the directions, as was obviously stated by Pawan Kheda, of the Congress leadership, namely the Gandhi family, because I had the audacity to hold a press conference and question Sonia Gandhi and Rahul Gandhi for the 5,000 crore loot of the Indian Treasury. So to the gentleman who sat there, giggled as they assassinated my daughter's character, I will see you in the court of law and in the court of people. And to the Gandhi family, which directed that this press conference be held against my child, I tell you this. Send Rahul Gandhi back to fight the Lok Sabha election in 2024 from Amethi, and he will lose again. That is my promise as a BJP worker and as a mother to that 18-year-old child. I will see them in the court of law.